आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नारी सेवा संघ सिंदरी के द्वारा सिंदरी नगर भाजपा अध्यक्ष सह नारी सेवा संघ अध्यक्ष रंजना शर्मा के वार्ड 54 स्थित आवास पर महिलाओं के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में रंगारंग होली गीत के साथ रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। उपस्थित महिलाओं ने होली को नशा मुक्त त्योहार के रूप में मनाने की अपील की। होली पर शराब, भांग, नशीली पदार्थों पर पूर्णतः रोक लगाने का प्रशासन से मांग किया। रंजना शर्मा ने कहा कि होली जीवन में खुशियां, उमंग व सद्भावना का पर्व है। सावित्री पांडे ने कहा कि होली का त्योहार एक दूसरे के गिले शिकवे को दूर कर प्रेम एवं भाईचारे को मजबूती प्रदान करता है। होली मिलन समारोह में उषा सिंह, अनामिका सिंह, राजकुमारी, उमा शर्मा, डॉक्टर विनीता उपस्थित रहे। आज जो होली मिलन समारोह इसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सारी महिला पूरा इंटायर सिंदरी जितने भी हो, धीरे धीरे हम लोग को इसको विस्तार करना है, सारी महिला को डोर टू डोर जा करके एकत्रित करें और ये होली मिलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है, मैं चाहती हूँ कि 8 मार्च को इससे भी भारी भयंकर मतों से जो है कि अंबेडकर चौक पे हम लोगों ने एक महिला दिवस मनाने की आयोजन किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सारी महिलाओं, सारी बहन, सारी महिलाओं के बीच तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने होली के बारे में बताइए, इन्होंने मेरा नशा मुक्त होली का नशा मुक्ति बोली है। खुशियों का रंगों का त्यौहार है, इसे रंग में भंग ना करे और हर लोग उल्लास के साथ होली मनाए और नशा करे, आसान के सबक होली भाव से मनाए, सबको प्रेम से मिले। होली यही मिलाने का त्यौहार है और हम लोग पूरे नारी सेवा संघ का पूरे टीम की तरफ से पूरे देश के हर महिलाओं को अभिनंदन करता हूँ और होली का बधाई बधाई देती हूं। होली पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रंजना? होली को, होली पे सभी महिलाओं को मैं यह संदेश कि ये पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाए, मिलजुल कर मनाए, शांतिपूर्वक किसी का मतलब और इसे जिनके घर में कोई नशा मुक्त करते उनको संदेश दे कि हाँ इस तरह का नशा ना करे। होली उमंगों का त्यौहार है, खूब उमंग से त्यौहार को मनाए और ये हम लोगों की होली हर क्षेत्र में ले जाए कि महिलाओं ने ऐसा होली मनाया। ये संदेश मैं हर महिला को देना चाहती हूँ।